नमस्कार, स्वागत है आपका पीवा दी कुकिंग में। आज के इस वीडियो में हम मिलकर बनाते हैं काजू की मिठाई, काजू कतली। त्योहारों के दिनों में घर में काजू कतली तो बनाना बनता ही है। बच्चों, बड़ों, सबकी पसंदीदा मिठाई काजू कतली। घर में काजू की मिठाई बनाने के बहुत फ़ायदे, एक तो बाज़ार से बहुत ही सस्ती पड़ती है और दूसरी साथ में साफ़ सुथरी हाइजीनिक होती है और तीसरा एक मिलावट का इसमें शक नहीं रहता। बाज़ार में अक्सर कई लोग काजू कतली के नाम पर काजू कतली की मिठाई नहीं बल्कि मिक्स मिठाई होती है, ये लोग इसमें काजू के साथ साथ मेलन सीड और मूँगफली भी मिक्स कर देते हैं। इसीलिए काजू कतली के पैसे के रेट पर काजू कतली हम बाज़ार में वो मिठाई हमको अक्सर नहीं मिलती, तो क्यों ना हम काजू कतली घर पर ही बनाएं। बहुत ही आसान तरीके से, बिगनर्स आप बिल्कुल नहीं घबराना, इस विधि से बनाएंगे जिस तरह हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे 110% परफेक्ट काजू कतली बनेगी। और मैंने काजू कतली के लिए काजू का टुकड़ा इस्तेमाल करा है क्योंकि काजू का टुकड़ा बाज़ार में साबुत काजू के मुकाबले में सस्ता पड़ता है। वैसे भी हमने काजू को तो मिक्सी में पीसना ही है, क्यों ना आप भी काजू टुकड़ा इस्तेमाल करो काजू की जगह पर। और सारे स्टेप्स को फॉलो करना 110%, बस बेसिक 2 स्टेप्स, चाशनी के समय ध्यान रखना है आपको और जब आप काजू को पीसेंगे तो रोक रोक कर पीसना है इन 2 स्टेप्स को। और साथ में मेरा वीडियो भी देख लेना, 110% आपकी मिठाई जो है काजू की परफेक्ट बनेगी। चलो मिलकर बनाते हैं काजू कतली भीमा के स्टाइल से। शुरू करते हैं हम काजू कतली। काजू कतली के लिए हमको चाहिए देसी घी, हाइड्रो, काजू, चीनी। सबसे पहले हम काजू कतली के लिए काजू को मिक्सी में पीसेंगे। मिक्सी में पीसते समय हमने ये ध्यान रखना है मिक्सी को लगातार नहीं चलाना है, 1-2 सेकंड चलाना है फिर रुक जाना है, फिर 1-2 सेकंड चलाना है फिर रुक जाना और फिर खोलना ढक्कन। ढक्कन खोल के जितना भी पीसी है उसको हम छन्नी से छान लेंगे और नीचे जो है काजू का आटा निकल आएगा और ऊपर थोड़ा मोटा मोटा रह जाएगा। उसको दोबारा हम मिक्सी में डाल देंगे, पर लगातार हमने मिक्सी को नहीं चलाना है नहीं तो हमारे काजू का ऑयल निकल के काजू एकदम इकट्ठा हो जाएगा, छन्नी में छनेगा नहीं। अब इसको हम दोबारा डालेंगे, फिर रोक रोक के 2 बारी चलाएंगे, बस ज़्यादा देर नहीं चलानी है। बस इस स्टेप को अपने ध्यान से करना है तो बढ़िया आपका काजू है पिस जाएगा और छन्नी से निकल भी जाएगा काजू का आटा जो हमने जिससे हम बनाएंगे काजू कतली। ये देखिए ऑलमोस्ट पूरा काजू हमारा छन जाएगा इस सेकेंड टाइम में, नहीं तो थर्ड टाइम भी आप कर सकते हैं। कोशिश करना अगर 2 कटोरी बना रहे हो तो 1-1 कटोरी करके पीसो। जितना हमारा थोड़ा मोटा मोटा काजू बचा है इसको हम रख लेंगे, हलवा या किसी चीज़ में यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई गर्म होने पे चीनी डालेंगे। चीनी डालते ही तुरंत हमने पानी डाल देना। 1 कटोरी चीनी में हमने मुश्किल से आधे से आधी कटोरी डालना है पानी और उसके बाद इसको ऐसे चलाना है। चीनी जो है थोड़ी भले दिखने में सफ़ेद लगे पर थोड़ी सी उसमें इम्प्योरिटी होती है, उसको क्लियर करने के लिए, प्योर करने के लिए, चाशनी को चमक लाने के लिए हमने 2 चम्मच दूध में 2 चम्मच पानी मिला के डाल दिया। और थोड़ी देर में ये देखो हमने जो दूध डाला था, दूध की जो ऊपर मलाई आई है जल के, उसके साथ इम्प्योरिटी भी चीनी के आ गई है। चीनी जो चाशनी है बढ़िया क्रिस्टल की तरह वाइट हो जाएगी पानी की तरह, और जो थोड़ी सी इम्प्योरिटी है चीनी की उसको हमने ऐसे छन्नी से निकाल देना। नीचे हमारा जो इंडक्शन लो मीडियम फ्लेम पर ऑन है, ये ऐसे सारी आप छन्नी की हेल्प से निकाल लेना क्योंकि कड़छी से सारे इम्प्योरिटी नहीं उठेगी। उसके बाद जो हमारी चाशनी है देखना, बढ़िया चाशनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी की तरह वाइट चमक आ गई है इसमें। उसके बाद हम डालेंगे जो हमने
काजू पिसा, जब चाशनी में ऐसे चिपकने लगे उंगलियां, एक तार बनने लगे, ज़्यादा स्टिकी नहीं होना चाहिए, एक तार, तब मतलब हमारी चाशनी तैयार है। उस समय हमने सारा काजू जो है वो इसमें डाल देना है, और काजू के साथ ही छोटा सा एक चने के दाने माफिक हाइड्रो डाल देना, ये ऑप्शनल है, अगर घर में अवेलेबल है तो डाल दो, मिल जाए इजीली तो डाल दो, नहीं तो स्किप कर दो, तो भी आपकी काजू कतली बन जाएगी। हाइड्रो हम इसलिए डालते हैं ताकि हलवाई लोग यूज़ करते हैं, जो काजू कतली है उसमें बढ़िया शाइन आ जाती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल हलवा बनाते हैं, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो एक चम्मच हमने देसी घी डाल देना, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि काजू का अपना भी घी निकल जाएगा, और नॉर्मली जब हम हलवा बनाते हैं जब वो कढ़ाई छोड़ने लगता है इसका मतलब वो स्टेज आ गई है, और उस समय हम इस काजू कतली का जो हमने ये बनाया है बैटर तैयार करा है, ये बैटर नहीं जो पेस्ट बनी है हमारी, उसको हम निकाल देंगे और हाथ पे ऐसे थोड़ा चेक करके देख लेंगे, थोड़ा सा अभी घर में थोड़ा जलेगा पर कोई बात नहीं, ये स्टेप चेक करना पड़ेगा, ऐसे जब गोल गोल होना शुरू हो जाए, इकट्ठा होना चाहिए, इसका मतलब हमारे जो है ये हमारे काजू की पेस्ट अब तैयार हो गई है काजू की मिठाई के लिए। इस समय हम अपने इंडक्शन को बंद कर देंगे, इस तरह जो बटर पेपर है बटर पेपर में भी थोड़ा सा कोटिंग करके आप सारा लगा दो, जो काजू का पेस्ट आपने बनाया है निकाल दो, हल्का हल्का गर्म ही निकाल देना ठंडा में, या फिर आप प्लेट में भी ऐसे कोटिंग करके प्लेट में भी निकाल लेंगे, इस तरह थोड़ा सा हाथ से रोल करेंगे, इस तरह डो तैयार हो जाएगा, ये वही काजू का डो है जो हमने अभी बनाया है। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, घर में बटर पेपर है, बटर पेपर पर इस तरह फैला के बेलन की हेल्प से आप बेलना है, ऐसे ऐसे बटर पेपर को फोल्ड कर देना, कोई घी लगाने की जरूरत नहीं, इसमें अपना ही बहुत घी निकल गया, और ये बेलन की मदद से रोलर की मदद से ऐसे रोल करेंगे, और काजू कतली की मोटाई याद नहीं होती, बारीक होती है, तो इसको जितना आपको चाहिए थिकनेस उतना कर लेना, बीच में हटा के आप देख लेना कि ठीक है इतना आपको मोटा चाहिए तो बारीकी रखना, तैयार हो जाए तो उसके बाद जो है जो हमने चांदी का वर्क है ये लिया है प्योर, इसको लगा देंगे पूरे जो हमने रोटी बनाई है काजू कतली के बैटर की, इसको हम ठंडा होने पर काटेंगे, थोड़ा ठंडा होने पर ऐसे हम कट के निशान लगा देंगे, क्योंकि बिल्कुल सूख जाएगी तो फिर काटेंगे तो टूट सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा निशान पहले लगा देंगे, डायगनल लगाएंगे, स्केल को डायगनल रखेंगे, ऐसे करके चक्कू से या स्केल से भी ऐसे कट कर सकते हैं, ये देखो ऐसे स्केल का ये इजी ऑप्शन है, स्केल करके थोड़ा सा स्लाइड कर लो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर थोड़ा सा इसको साफ कर देना, क्योंकि गर्म है ना नीचे थोड़ा थोड़ा वो लग जाता है इसको काजू गर्म के साथ, ऐसे करके अब डायगनली भी आपने कट के निशान लगा देने हैं, और ऐसे स्केल को थोड़ा सा रोल कर लेना है, और ये साफ़ करना है, जितनी बार आप डालेंगे उतनी बार साफ़ कर लेना फिंगर से, और फिर ऐसे दोनों तरफ से दोनों एंड से आपको दबाना है स्केल को, लोहे के स्केल को, बढ़िया कट जाता है, शार्प होता है, चक्कू को वहाँ से यहाँ रोल करके लाएंगे तो थोड़ी लाइन टेढ़ी हो जाती है, तो स्केल से बढ़िया एक साथ ही एक जगह ही सबसे कट जाता है ऐसे, इस तरह हमने सारे करके इसको ठंडा होने देना पूरी तरह, ठंडा होने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है, पर हमने तो थोड़ा सा शूट करना था दिखाना था आपको, थोड़ा जल्दी ही कर दिया, थोड़ा अभी हमारी काजू कतली नरम है पर आपको दिखा देंगे, ये देखो बढ़िया हमारी काजू कतली बन गई है ऐसे, वो जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी और थोड़ी हार्डन होती जाएगी, बिल्कुल बाजार की तरह ये हमारी काजू कतली तैयार है। अब आपको एक बार दिखा देते हैं, आप भी इसी विधि से बनाना, बहुत बढ़िया बनेगी आपकी काजू कतली, और बताना आपकी काजू कतली कैसी बनी, कमेंट बॉक्स में लिखना और फोटो खींच के अपनी काजू कतली के इंस्टाग्राम पे मेरे चैनल को टैग करना। ये बढ़िया काजू कतली बनकर तैयार है, आप भी काजू कतली बनाते समय ये सारे स्टेप्स फॉलो करना, 100% आपकी काजू कतली स्वादिष्ट और परफेक्ट बनेगी। फ़ोटो खींचकर मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पे टैग करना, मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।